तो स्वागत है आप सबका। आज हम पबजी पे थोड़ी बहुत कमेंटरी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इस गेम को पबजी बुलाइए, सब्जी बुलाइए या ए जी ओ जी लो जी सुनो जी बुलाइए, किसी को फर्क नहीं पड़ते, इसलिए सब सही है। लेकिन जब से ये सब्जी मेरा मतलब पबजी मोबाइल में आ चुका है ना, तब से लड़कों के लिए अपना हवस निकालने का एक जगह बन चुका है ये। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे। आपने ये बात गौर तो किया ही होगा कि जब आप स्क्वाड्स में खेल रहे हो एक लड़की के साथ और आप और वो लड़की एक साथ नॉक हो जाते हो, तो आपका दोस्त पहले वो लड़की को ही बचाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका दोस्त ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एक लड़की जब नॉक होती है, ऐसा लगता है कि वो देने के लिए तैयार है, और इसीलिए 99% लड़के जो है ना, लड़की को पीछे से ही बचाते हैं, क्योंकि उनको कुत्तागिरी करने का फीलिंग जो आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ही बताओ, आप ये देखने के बाद अपने दोस्त को पहले बचाओगे कि इस लड़की को पहले बचाओगे? कमेंट कीजिए नीचे बॉक्स में। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कई लोगों ने पबजी में ही रंडी खाना खोल रखा है। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? अभी आप ये देखिए। देखो पहुंच गई। सबसे गर्व की बात तो ये कि इसको एक भारतीय ने रिकॉर्ड किया है। अच्छे दिन आ ही गए। और कमेंट बॉक्स में एड्रेस पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पोचिंग की में उतर के जो राइट साइड में कोठा नंबर 69 है, वहीं पे ये सब चलता है। मजे करो। ये सब देख के हमारे इंडियन कपल कैसे पीछे रह जाते हैं? उन्होंने भी अपना एक तरीका निकाला एक दूसरे को प्यार करने का। देखो, देश के विकास के साथ मैं भी हूँ, लेकिन इतना भी विकास मत करो कि सब फोन में ही शुरू और फोन में ही खत्म हो जाए। आज पप्पी दे रहे, कल को जाके बच्चे भी पैदा कर लेंगे, बोल नहीं सकते। ये आजकल के बच्चे अच्छी जिंदगी जीते ही नहीं है। सुबह पबजी में पप्पी दे देंगे और रात को गर्लफ्रेंड का फोटो देख के हिला लेंगे और सो जाएंगे। इनको समझाओ, जब हम लड़कियां घर पे लाते थे, वो माँ बाप के घर पे आने का डर कितना एक्साइटेड बना देता था हमको। ये लोग वो समझेंगे ही नहीं कभी। खैर छोड़ो, अब आते हैं प्लेयर्स पे। 60-70% लोगों को पबजी खेलना आता ही नहीं है। वो इसलिए खेल रहे क्योंकि पूरा देश खेल रहा है। अगर वो लोग नहीं खेलेंगे तो ये देश, ये समाज उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये सारे प्लेयर जैसे बूब होते हैं ना, मेरा मतलब ऐसे नूब होते हैं ना, इनको ये नहीं समझता है कि बेटा पहले गन ढूंढो, पैन लेके ही निकल जाते। बताओ साले चूतिए कहीं के। बाकी जो 30-40% बचते हैं, उसमें से भी 10-20% कैंपस होते हैं। कैंपस मतलब वो जो घर में एक घंटा छुप के बैठ सकते हैं ताकि उनके पास कोई आए और ये उनको मार सके। अब कैंपर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्क्वाड्स में खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने मिलेगा। ए पट्टू, ए कैंपर, अपना इंग्लैंड काट ले। साले हिजड़ी की पैदेश उधर करके आ रहा है, निकल वहां से। तुझे उधर ताली मारने के लिए रखा है क्या? निकल वहां से और इधर आके हमारी मदद कर, साले छूती है। अब आते हैं आखिर के 10-20% लोगों पे जिनको सच में खेलना आता है। अब जिनको सच में खेलना आता है, उनके मुंह में आप एक डायलॉग सुनोगे, ए पोचिंग की चल सबको दिखाते बाप कौन है। अरे बेटा दिन भर गेम खेलेगा ना, बैठे बैठे डायबिटीज हो जाएगा। गेम में तो दिखा देगा कि बाप कौन है, लेकिन असली जिंदगी में डायबिटीज की वजह से खुद बाप नहीं बन पाएगा। और फिर शादी के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी लेना पड़ेगा, उससे अच्छा बेटा बाहर निकल खेल थोड़ा, अपने बॉडी को मेहनत करवा, आगे तेरी मर्जी। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो को अपने पूरे पबजी के स्क्वाड के साथ शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह हम अपना लेके फेसबुक में आ चुके हैं। ओ कमेंटेटर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।